वंदे मातरम। आई होप कि आप मज़ेदार हो और मज़े में हो और अच्छे से हमारी वीडियोस आप देख रहे हो। चलिए आज हम देंगे पेज नंबर 7। बच्चों, लुकिंग विद वन एंड बोथ आईज, ठीक है, एक आँख से आप देखते हो और दूसरी आँख से देखते हो, बहुत ही फर्क पड़ता है बच्चों, ठीक है। एक आँख को अगर आप टाइटली क्लोज करते हो और आपके दोस्त को वो बोलते हो कि यहाँ पे स्टैंड हो जाइए, तो देखिए कितना डिफरेंस पड़ता है आपका। एक आँख से देखना, एक आँख को क्लोज करना, एक आँख से देखना, तो आधी चीज़ें आपको इधर की नहीं दिखेगी। एक दोनों आँखों से आप देखेंगे तो दोनों आँखों से आपको सारी चीज़ें इर्द गिर्द सभी सब आपको दिखाई देगी। अगर आपके फ्रेंड बाजू में खड़े होके कोई एक्शन करेंगे तो एक आँख अगर आपकी बंद हो तो आपको नहीं दिखेगी। तो इसीलिए ये फंडा होता है, फंडामेंटल होता है कि जब एक हॉर्स जाता है तो आपने देखा है हॉर्स को ऐसे लगाया जाता है कवर, ताकि वो इधर उधर ना देखे, स्ट्रेट देखे, ठीक है। नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल एंड कॉइन एंड ट्राई टू कलेक्ट इट। Try this with both your eyes open. Then close one eye and try to catch it when it is earlier to catch. Imagine how it would have been the eyes in place of your ears. अगर आपके ये बताया गया है eyes है बच्चों, अगर यहाँ होते तो कैसा होता। देखिए भगवान की इतनी सुंदर रचना की है कि आपकी आँखें नाक के बीच में हैं और उनको सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे अगर होती तो कैसे दिखता। यहाँ के व्यू से आप हर चीज़ देखते, राइट। तो ये डिफरेंस होता। सम बर्ड्स एंड काइट्स एंड ईगल्स एंड वल्चर्स कैन सी द फोर टाइम्स एज वी कैन। दीज बर्ड्स कैन सी, ये इनको चार गुना जो आई साइड हमारी है बच्चों वैसी उनको दी गई है, और इनसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा, चार गुना। तो वो बाहर से ऊपर से ही डिस्टेंस देख लेते हैं। नाउ कैन यू गेस फ्रॉम द डिस्टेंस कैन ईगल इन द स्काई कैन सी द रोटी ऑन द ग्राउंड। तो वो रोटी या शिकार या जो भी बाहर से देख लेते हैं कैसे उनको वो झपट लेते हैं। डू एनिमल्स सी कलर्स, एनिमल्स कैन नॉट सी मैनी कलर्स एज वी कैन सी। सी हाउ दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाई सम एनिमल्स। तो बच्चों ह्यूमन बींग्स अगर ऐसे देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर, तो ज़रूरी नहीं है कि डॉग भी ऐसे ही देखेंगे, ठीक है। डॉग अलग से देखेंगे, दूसरे इंसेक्ट्स अलग से देखेंगे। It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. Those animals are awake at night. ये लोग नाइट में भी बच्चों देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर्स में, ठीक है। तो ये जानना है यहाँ पे पेज नंबर जब हम दूसरा लेंगे तो देखेंगे हम कि कैसे स्टैंडर्ड फोर्थ में यू बिलीव दैट यू कैन नॉट सी बर्ड्स ईजीली, दे हैव सेम होल्स इन प्लेस ऑफ ईयर्स दैट कवर्ड विद फेदर्स। राइट द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हु हैव लॉन्ग ईयर्स एंड हु कैन हियर, ठीक है, किनके लंबे ईयर्स हैं। सेकेंड में आपको लिखना है कि सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन योर्स, आपसे भी जिनके ज़्यादा हैं बड़े उनको आपको बताना है। तो वैसे एनिमल्स हैं एलिफेंट, रैबिट्स, ओके। तो ये सब एनिमल्स हैं जिनके काफ़ी
बड़े होते हैं इयररिंग्स और बच्चों, तो हम इनको ऐसे बुलाते हैं जैसे रेनडियर्स होते हैं, डियर्स, बड़े बड़े वाइल्ड डियर्स, उनके भी कान के बहुत ही बड़े होते हैं। और बाकी नॉर्मल जो है 10 आप ऊपर लिख सकते हो कि इनको ईयर्स है, होते हैं, नहीं होते हैं, लायन, टाइगर, ओके, वो सब। इज देयर सम लिंक एनी रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड अदर हियरिंग कैपेसिटी? किनके हैं क्या कि कैसे इंसान से बेहतर अगर एनिमल सुनते हैं तो कैसे? फॉर एन एक्टिविटी, क्वाइट प्लेस, आप एक क्वाइट प्लेस पे जाइए, आपके स्कूल में या आपके घर पे, आपके फ्रेंड्स हो, कजन्स आए हो, उनको बोलना कि थोड़ा सा बाहर खड़े रहे और बाकी सब आपकी बात सुनेंगे, ओके? फिर आप जैसे यहाँ पिक्चर में दिया है, आप ईयर्स के पीछे हाथ रखिए दोनों। नाउ द सेम चाइल्ड आस्क द टू से समथिंग अगेंस्ट सॉफ्टली एज बिफोर, इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर? आस्क योर फ्रेंड्स टू पुट योर हैंड्स ओवर योर आईज एंड से समथिंग। कैन यू हियर योर ओन वॉइस? क्या आप अपना खुद का वॉइस सुन सकते हो बच्चों? तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। आपको धीरे से कुछ सॉफ्टली बोलना है और एक फ्रेंड आपके बाहर गए हैं और बाकी के फ्रेंड्स को आपको केयरफुली बोलना है, तो क्या आपको वो सुनाई दे रहा है? ये गेम आपको खेलनी है। सिट नियर द डेस्क एंड टैप द डेस्क वंस ऑन योर हैंड केयरफुली। पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज द शार्प ऑफ द टैप द डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड। लिसन अगेन, इज देयर एनी डिफरेंस इन योर साउंड ऑफ द टैप? जब आप अपना टैप करेंगे बच्चों, तो क्या कोई डिफरेंस है इनमें, वो आपको पता चलेगा। सेंडिंग मैसेज थ्रू साउंड्स, अगर आप साउंड से मैसेज भेज रहे हैं तो कैसे उनको मैसेज जाएंगे, वाइब्रेशंस से जाएंगे, कैसे एनिमल्स और जो है स्नेक वो कैसे सुनते हैं, तो वो वाइब्रेशन से सुनते हैं, उनको कोई कान नहीं होते हैं बच्चों। दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड पे अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हो और जो झनझनाती गाड़ी बुलाती है, तो उसके कारण बच्चों उनको पता चलता है कि कोई आया है। तो सेंडिंग हाई थ्रू साउंड्स ऐसे होते हैं कि हाई अपॉन ऑन एन ट्री लंगूर वार्न्स द अदर एनिमल्स ऑफ द डेंजर लाइक टाइगर, लेपर्ड, फॉर टू गिव द वार्निंग कॉल्स। जैसे अगर कोई अटैक करने वाले हैं, कोई हंटर आए हैं बच्चों, तो आपके पास यहाँ पे लंगूर आएंगे और वो बताएंगे, वो डांस करेंगे, वो पूरा स्किप करेंगे, वो पूरा झाड़ हिला देंगे और आपको बताने की कोशिश में रहेंगे कि कोई तो डेंजर है। बर्ड्स ऑल्सो अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। सम बर्ड्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर। फॉर एग्जाम्पल, देर इज डिफरेंट वार्निंग्स कॉल्स इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ़ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड। तो दो चीज़ें हैं, का तो एनिमीज हमारे ऊपर से आएंगे, का तो नीचे से आएंगे, तो ये जो बंदर हैं वो आपको बताएंगे डांस करके, खुद के, फुदक के। द स्टाफ ऑफिसर्स ऑफ द सेंचुरी एंड द नेशनल पार्क कैन ऑल्सो लोकेट द डायरेक्शंस ऑफ द एनिमल्स। उनको भी पता चल जाता है कहाँ से ये लंगूर बोल रहा है, टाइगर, लायन, बाय द साउंड ऑफ अलार्म कॉल्स ऑफ बर्ड्स। तो ये
उनको पता चल जाता है, जब बर्ड्स बोलते हैं उनकी ऑलमोस्ट भाषा उनको पता चल जाती है। फिशेस भी आपको पता ना हो तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स देती हैं, वो भी छलांगे मारने लगती हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं आती है तो वो छलांगे मारती ऊपर से पानी में से ऊपर, ऐसे साथ में सब तैरने लग जाती है। सम एनिमल स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट, तो वो अलग से बिहेव करें। जैसे नॉर्मल वो लोग यहाँ से वहाँ भागते हैं, ठीक है, ये तो डायरेक्ट कुछ अचंभा करेंगे, मतलब अलग से आपको पता चल जाएगा कुछ तो गड़बड़ है। पीपल हु लिव near the forest come to know the danger of observing the behavior of the animals. animals को देख के ही पता चल जाता है कि क्या problem है। In 2004 few types that the live in the forest of Andaman Islands noticed the animals behaving in different manner. they guess some danger so they move away to a safer part of the Iceland. Icelands were hit by tsunami but these people were saved. बीच में आपको पता था सुनामी आई थी 2004 में, बट बच्चों ये एनिमल्स डिफरेंट मैनर में बिहेव कर रहे थे तो कुछ लोग ने ये पकड़ लिया कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, और ये एनिमल्स को इन्होंने सेव कर दिया था। तो इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।